नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप अपने होम अप्लायंसेज के मैकेनिक खुद बने। दोस्तों, ये वीडियो होगी हमारी इन्वर्टर बैटरी के बारे में। दोस्तों, इन्वर्टर बैटरी की लाइफ दुगनी कैसे की जाए, दोस्तों ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपनी इन्वर्टर बैटरी की देखभाल कैसे करें जिससे बैटरी की लाइफ दुगनी हो जाए, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि दोस्तों, बैटरी के अंदर जो मेन चीज़ होती है वह बैटरी की प्लेटें होती हैं, जो कि दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। बैटरी के अंदर जो अच्छी क्वालिटी की प्लेटें होती हैं वह ज़्यादा दिनों तक चलती हैं, लेकिन अगर हम बैटरी के मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों, बैटरी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है बैटरी का वाटर लेवल। बैटरी के पानी को 2 महीने में अवश्य चेक करें। अगर पानी कम हो तो डिस्टिल वाटर बैटरी में डाल दें। दोस्तों, बैटरी के अंदर दूषित पानी नहीं डालना है। अगर आप दूषित पानी डालते हो तो बैटरी के प्लेटों के ऊपर सफ़ेद रंग का मैल जमा हो जाता है, जिससे प्लेट हार्ड हो जाती है और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, बैटरी में हमेशा बैटरी में डालने वाला डिस्टिल वाटर ही डालना चाहिए। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैटरी में तेजाब न डालें। बैटरी के अंदर कभी भी तेजाब की मात्रा कम नहीं होती है, बैटरी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हमें समय समय पर चेक करके डालते रहना चाहिए। इससे आपकी बैटरी आसानी से ख़राब नहीं होगी। अगर हम बैटरी में पानी नहीं डालेंगे तो पानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और केवल तेजाब रह जाएगा, और तेजाब से आपकी बैटरी की प्लेटें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए हमें समय समय पर पानी की मात्रा को चेक करते रहना चाहिए। आपको अपनी बैटरी कभी भी आवश्यकता से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए। अगर बैटरी इन्वर्टर पर डाउन हो गई है तो उसे एक्स्ट्रा पंखा न चलाएं। इससे बैटरी की ग्रेविटी भी कम हो जाती है, जिससे बैटरी की लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे वह भविष्य में जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी बैटरी को आवश्यकता से ज़्यादा डिस्चार्ज ना करें। दोस्तों, बैटरी को जल्दी चार्ज करने के चक्कर में उससे एक्स्ट्रा चार्जर ना जोड़ें। इससे बैटरी में ज़्यादा एम्पियर जाएंगे, जिससे बैटरी ख़राब हो सकती है। इसलिए बैटरी को निर्धारित समय पर ही चार्ज करें। और दोस्तों, आप अपने इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड ना दें। अगर आपका इन्वर्टर 500 वाट का है तो उस पर 300 या 350 वाट का ही लोड दें, इससे अधिक लोड ना दें। अगर आपका इन्वर्टर 1 किलोवाट का है तो उस पर 600 या 650 वाट का ही लोड डालें, इससे अधिक लोड ना डालें। इससे बैटरी की प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और इससे इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है। अगर आप बैटरी के कनेक्शन लगा रहे हैं या हटा रहे हैं तो उस समय इन्वर्टर को ऑफ़ कर दें। अगर आप इन्वर्टर ऑफ़ नहीं करेंगे तो इन्वर्टर के अंदर मॉस्फेट लगे होते हैं, जो कि ख़राब हो सकते हैं। और दोस्तों, आप अपनी बैटरी को बराबर यूज करते रहें। अगर आप बैटरी को यूज नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी 6 महीने के अंदर ही ख़राब हो जाएगी, इसलिए बैटरी को बराबर यूज करें। दोस्तों, बैटरी के दोनों टर्मिनलों पर जहाँ पर नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर लगे होते हैं वहाँ पर ग्रीस लगा दें, जिससे चिमटी तेजाब की वजह से ख़राब ना हो। और दोस्तों, ये टर्मिनल होते हैं, दोस्तों ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो दोस्तों, कभी कभी कार्बन आने की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इन पर रेगमाल की सहायता से इन्हें साफ़ करते रहना चाहिए। दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।